और आइए अजमेर से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी भाजपा मुख्यालय में मौजूद हैं जयपुर, जहां उन्होंने जन टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सांसद भागीरथ चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, जो मैंडेट मिला है उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने, जो मैं तो कह रहा हूँ हमारी राजस्थान सरकार ने 100 दिन में जो काम किया है, वास्तव में जो पिछली सरकार ने 5 साल में काम नहीं किया वो 100 दिन के अंदर, क्यों आचार संहिता लगी थी, ERCP लागू की, उन्होंने किसान सम्मान निधि 2000 रुपये भजन लाल जी की सरकार ने बढ़ाया, डीजल पेट्रोल में वेट कम किया, गैस सिलेंडर 450 रुपये में किया, और दूसरी तरफ मोदी जी ने जो जन कल्याणकारी काम किए, गरीब को गणेश मानकर मैं कह सकता हूँ। परंतु ये जो विपक्ष वाले हैं वो जानबूझकर भ्रम फैलाया, सबसे पहले तो फैलाया कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, इस तरह की झूठी अफवाह फैलकर जनता को गुमराह किया। इस वजह से हमारी कुछ सीटें कम आई है, परंतु मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं और फिर ये देश विकास की दृष्टि से, हमारा देश राजस्थान और हमारा अजमेर लोकसभा क्षेत्र फिर विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। अब पार्टी कार्यालय आए हैं, अब क्या आगे का प्लान क्या है, दिल्ली जा रहे हैं? देखिए, जो पार्टी निर्देश देगी वो काम करेंगे, निश्चित तौर पे जा तो रही है, और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनेगी और ये देश बहुत तेजी से विकास की दृष्टि से, पहले आर्थिक रूप में 11वें पायदान पर था 2014 के पहले, 5वें पायदान पर आ गया और मोदी जी 30 बार प्रधानमंत्री बनते ही आर्थिक रूप से ये देश फिर तीसरी शक्ति आर्थिक रूप से बनेगी। उम्मीद की जा रही थी, नारा भी लगाया गया था कि इस बार 400 पार, लेकिन अपेक्षाओं से जो रिजल्ट है काफी विपरीत रहा, तो पूरे देश भर में जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहें? मैं कह रहा हूं ना, जो ये ठग गठबंधन है, झूठ का गठबंधन है, ये झूठे जनता को भ्रमित करते हैं। आपको पता, कल उत्तर प्रदेश के कार्यालय में या वहाँ कांग्रेस के दिल्ली में लखनऊ में और माताएं बहने गई और उन्होंने कहा, बताइए आपने एक एक घर में पर्चा बांटा 1-1 लाख रुपए देने का, कहा आप सोचिए 70 करोड़ हिंदुस्तान में माताएं बहने हैं, 1 लाख रुपए, 1 लाख से 70 करोड़ का गुणा करिए, क्या अपने इतनी GDP है क्या? झूठे वादे करती है, जनता को भ्रमित करती है, संविधान बदल देंगे मोदी जी, आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये झूठे भ्रमित करके, और इस तरह से इन्होंने क्या, परंतु ये झूठ ज्यादा दिन चलती नहीं है, मोदी जी फिर बहुत मजबूत होकर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये देश बहुत तेजी से विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी जी, जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सहयोगी रामकिशन सैनी के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर।